और भाई इस वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है? आप सुनाओ, आपकी नई नई शादी हुई है, आप क्या स्पेशल कर रहे हो? शादी तो हुई है, क्या करें, रोज डे है, चॉकलेट डे है, और बताइए सब कुछ करना पड़ेगा, मानेंगे नहीं? आप बताओ अपना क्या करें यार, प्लानिंग बना रहा हूँ, 7 दिन है वैलेंटाइन डे के, खर्चा बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये के करीबन की चॉकलेट है, टेडी है 500 रुपये के करीबन का, रोज बुके 250 रुपये के करीबन का, खर्चा बहुत ज़्यादा है यार इस बार। करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। और तेरा क्या प्लान है भाई? अभी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है तो खर्चा देख लो कितना ज़्यादा होगा, बट इम्प्रेस कर देना एकदम मस्त वाला, कि बस जरूरी है शादी हो जाए तुरंत। बच्चा क्या कर रहा है यार? यार ये है अपने देश का भविष्य, जो खाना भी कचरे से ढूंढ कर खाने को मजबूर है। हाँ यार, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में आज हम अपने देश की संस्कृति को भूल रहे हैं। क्यों ना अपन वैलेंटाइन डे को रोटी डे के रूप में बनाए, जो भी अपने फालतू खर्चा कर रहे हैं उसको अपन इन बच्चों को खाना वाना खिलाने में करें। हाँ यार, बिल्कुल सही है यार, मैं जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं ऐसा ही करूँगा। क्लास से स्टार्ट करते हैं। हाँ ऐसा ही करूँगा। मुझे रिलैक्स देखकर आपको अच्छा लग रहा होगा, निश्चित रूप से लगना भी चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज संकल्प लिया है। संकल्प क्यों लिया है? क्योंकि इन 3 दोस्तों की जो मैंने बातें सुनी, निश्चित रूप से मेरे अंदर तक वो गई, और अंदर तक जब गई तो मेरे को लगा कि क्यों ना इन बच्चों के लिए हम कुछ करें। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक हर साल आता है, हर साल मनाते हैं, तो क्यों ना उस गरीब बच्चा जो रोटी की तलाश उस कचरे में कर रहा है, जो कचरा आप दिन भर फेंकते रहते हैं, तो मान के चलो मेरे दोस्तों ये संकल्प इस वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक के दौरान ले लो कि हम रोटी डे मनाएंगे। वैलेंटाइन डे आपकी इच्छा है, आपके कितना बजट है, लेकिन करीब करीब एक गरीब बच्चे को तो आप पेट भर के भोजन करा दें, निश्चित रूप से सच में आपका ये वैलेंटाइन सफल हो जाएगा। तो संकल्प करें, मनाएंगे साथ में रोटी डे भी।